दीवार जो है हमने गिरा दी है। नालवाने हाथ नहीं तो खड़ा पड़ी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख और तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख और तकलीफ़ को जो है दूर करे, इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने कल देखा होगा कि हमने जो है अपनी सेहन की दीवार जो है घिरा दी थी और आज उसी पे ही जो है काम हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और शहर जो है सुबह जो है सब ईंटें जो हैं इकट्ठी उसने कर ली हैं, कुछ रहती हैं वो भी इकट्ठी करनी है। अभी जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो मैंने कहा है कि आप ना दो तीन गर्मी के जो दिन में जो दोपहर का टाइम होता है तो उसमें आप ना थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद जो है शाम को फिर काम शुरू करेंगे, क्योंकि मिस्त्री वगैरह के साथ जो है मज़दूर वगैरह नहीं है तो मियाँ साहब जो है ख़ुद ही काम कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं। आपको पता है कि हमारे गाँव में जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो है नाग होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा है कि आप ना इस ईंटों को जो है ख्याल से उठाना है, क्योंकि इसके नीचे जो है कहीं बिच्छू छुपे हुए होते हैं और नाग वगैरह सब कुछ इधर होता है हमारे गांव में। आपको तो पता है पहले भी हमारे घर में कितने सांप बिच्छू आ चुके हैं, तो इस ये दीवार जो है बहुत ही पुरानी है। तो मैंने कहा कि आप ना ख्याल से इस ईंटों को जो है बाहर निकालें, उसके बाद जो है मैं भी आपके साथ जो है खड़ी होंगी। तो अभी मियाँ साहब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये कच्चे ईंटें थी तो ये दीवार गिरने से जो है ये सब टूट चुकी हैं, तो इसका कचरा वगैरह बन चुका है। तो मैंने कहा कि इसको उठा के किसी दूसरी जगह पे रख देते हैं, ये फिर काम आ जाएगी। ये भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं, इसका जो है मिट्टी का गारा वगैरह जो है बना लेते हैं तो ये काम आ जाता है। तो इस वजह से जो है शायद ये साइड पे लगा रहा है, क्योंकि ये फिर जो है काम आएंगी। तो अभी मैं आपने काम किया है तो बहुत ही ज्यादा थके हुए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मैं तो जितना थका हूँ तो आज आपको पता चलेगा कि आप किचन में जो है खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि किचन का जो है ये हाल हो गया है। तो मिस्त्री मजदूर भी आए हुए हैं यहाँ, उनके लिए खाना भी बनाएगी, अभी धूप में बैठ के बनाएगी। तो फिलहाल जो है मैं ईंटें निकाल रहा हूँ, तो ईंटें निकाल के जो अभी मैंने जो है पक्की ईंटें डालनी है, क्योंकि उसकी जो ये दीवार बनेगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, धागा लग चुका है तो ये सीधी ऐसे जाएगी इस तरफ से, और ये हमारा किचन का हाल है। देखें, पता नहीं खाना कैसे बनाएगा हम आज। तो ये अब बस टाइम है, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारा तंदूर हो गया और विवाह। हाँ, मैंने कहा कि शायद को आप ये तंदूर और किचन जो है मुझे नया बनवा के दे दें। ये कहा है कि आप ना सारी जिंदगी इसी तंदूर पे रोटियां लगाएंगी। मैंने कहा कि मेरा क्या है, आपका ही सब कुछ जाएगा। तो अभी मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ जो हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो क्या है जी? ये जहरीले सरा की जबान है, जैसा इन्हों को डेंबू आधे हैं। देखो कितने जहरीले हैं ये, पटगिन खुद चार पांच दिन जिस्म से सोजिश ही नहीं जाती, इतने ये जहरीले होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से मदरसे का काम जो है शुरू हो गया है और माशाल्लाह से
पहली जो है ईट रख चुके हैं, बल्कि पहली से तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये जो है हमारा चाचू है और ये हमारा घर का ही मिस्त्री है, तो जब भी हमें ज़रूरत होती है यही हमारे घर के काम करता है और हमारे घर वगैरह यही बनाता है। तो जो भी मेरा बहन भाई इस कार खैर में हिस्सा मिलाना चाहे वो मिला सकता है, नंबर जो है हमारा नीचे लगा हुआ है। तो माशाल्लाह से ये देखें तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं भी ईंटें जो है निकाल निकाल के आया हूँ। तो अभी फिल वक्त बेगम जो है खाना तैयार करेंगी। अभी मैंने 5 बिच्छू जो है मारे हैं। तो ये अभी ये आबू आबू इसे ले चलो और कहीं जमीन में दबा दें, बहुत बड़ा सारा सांप है। अच्छा फेंक दे, आप कोई जानवर उठा के ले जाएगा, दूर फेंकना था आपने, चलें कोई नहीं। बहुत बड़ा सांप है।